नमस्कार, द फोर्थ स्टेट्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस चदिल। मुद्दा ट्रैफिक का, ट्रैफिक पुलिस का कह लें, जिस तरीके से कल सोशल मीडिया पर ट्रैफिक विभाग द्वारा जिस तरह की ड्राइव चलाई गई वो एक काबिले तारीफ ड्राइव थी। उसी के साथ साथ हमारे सहयोगी रंजन ने भी ये कवर किया और आज हमारे एक सीनियर पत्रकार मिस्टर गोहर जी ने भी जिस तरीके से एसपी ट्रैफिक का वर्जन लिया वो भी काबिले तारीफ था। लेकिन उन सब चीज़ों से परे हटकर मैं एसएसपी ट्रैफिक के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और साथ ही साथ मैं ट्रैफिक विभाग को कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कहा जाता है कि रूल्स आर ओनली फॉर फूल्स, कि सिर्फ एक आम जनता ही क्यों इसका खामियाजा भुगते। एक आम शहरी को तंग किया जाता है, एक आम शहरी से हर बात यही चीज़, इसी चीज़ के लिए एक आम शहरी को ही टारगेट किया जाता है। क्यों नहीं आपके डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो इस रूल को फॉलो क्यों नहीं करते। क्या कमी रह जाती है कि हमें ये मजबूरी होके ये कहना पड़ता है कि औरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत। कल का वाकया है, जिस तरीके से डोगरा चौक की अगर बात करें तो एक काफ़ी ज़्यादा नाका जो ट्रैफिक विभाग द्वारा लगाया गया और काफ़ी ज़्यादा चलानिंग भी वहाँ पे करते हुए नज़र आए लोग। वहाँ पे लेडी डिप्टी एसपी वहाँ पे खड़ी थी, शिवाली कोतवाल जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों को एड्रेस भी किया और बताया भी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनको भी ये बता देना चाहता हूँ कि जिनके घर शीशों के होते हैं वो लोगों पर पत्थर नहीं उछाला करते। कहीं ना कहीं ये मुहावरा जो है ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट पर ज़रूर फिट बैठता है। जिस तरीके से आज हमारी टीम ने हर एक नाका हर एक प्रॉपर तरीके से चेक करके, ये रियलिटी चेक जो आपको हम बता रहे हैं, जिस तरीके से इनके ट्रैफिक बूथ्स बने होते हैं और बूथ्स के साथ साथ इन्होंने अपनी प्राइवेट जो पार्किंग लगाई होती है वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन में, एक संदेह में ज़रूर आती है। आज अभी हम जो यहाँ पर सीपे चौक में खड़े हैं और बिल्कुल ऑपोजिट जिस तरीके से हम बता दें जोनल हेडक्वार्टर है और यहाँ पे जो है एसएसपी ट्रैफिक साहब भी बैठते हैं और उन्हीं के सामने ये बोर्ड लगा हुआ है एक नो पार्किंग का। मैं कैमरे से दिखाना चाहता हूँ, एक नो पार्किंग का बोर्ड लगा है। उसके अलावा देख लें आप उन्हीं के ऑफिस के सामने कितनी यहाँ पे रॉन्ग पार्किंग लगाई जा रही है। तो यहाँ पे डीएसपी जो मैम थे वो क्यों नहीं यहाँ पे कार्रवाई करते हुए दिखते हैं, क्योंकि ये एसएसपी ऑफिस के बाहर है या यहाँ पे बड़े बड़े रसूखदारों की गाड़ियाँ लगती हैं। एक आम शहरी को ही क्यों निशाना बनाया जाता है, एक आम इंसान जो है उसी को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। कुछ तस्वीरें आपके साथ साझी करेंगे, आप आगे ये तस्वीरें ज़रूर देखें और अपनी राय रखें, क्या हम गलत हैं। तो ये जो तस्वीरें और ये जो वीडियो जो हमने आपको क्लब करके ये आपको दिखाई,
उम्मीद है आप सब समझ ही गए होंगे जिस तरीके से ट्रैफिक विभाग काम करते हुए नज़र आता है, क्योंकि जिस प्रकार मैंने आपको बोला था, हमारे एक जर्नलिस्ट ने प्रदीप गोरिया जी का इंटरव्यू किया था जो एसपी ट्रैफिक है, उन्होंने भी यही बोला था कि जिस तरीके से कि लॉ की जो इग्नोरेंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और उन्होंने साथ साथ में, मैं उनको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, उनकी स्टेटमेंट में ये भी कहा गया था कि कानून जो है वो सबके लिए एक है। अब देखना ये है क्या वाकई जम्मू कश्मीर की जो ट्रैफिक विभाग है वो किस तरीके से काम करती हुई नज़र आती है। और जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें बताई जहाँ पे जिस जिस बूथ पे जिस तरीके से एक प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी को, अपनी एक सड़क को जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी समझा जा रहा है विभाग द्वारा, वो कितना सही है। और सामने मेरे पीछे आप जिस तरीके से, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखा दे, आज भी ये देख लो वहाँ पे पुलिस की बैरियर्स जो है प्लास्टिक के वो लगे हुए हैं और उसी के बीच में I-10 अभी भी वहाँ पे खड़ी हुई नज़र आ रही है। तो ये कितना हद तक जायज़ है कि जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी, जो बड़े आला अधिकारी हैं ट्रैफिक विभाग के, वो चलान करने में कितना बिजी रहते हैं, लेकिन जो एक आम जनता है उसको कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से, हम ये नहीं कह रहे कि हर पुलिस वाला और हर ट्रैफिक कर्मचारी जो गलत है, कहीं ना कहीं हम लोग भी गलत होते हैं, हमारी जनता भी गलत होती है, जिस तरीके से हमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को मान के चलना चाहिए कि कानून का उल्लंघन अगर हम कर रहे हैं तो वो उसको हमें पे करना पड़ेगा। लेकिन कानून के रखवालों को और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो काम करते हैं और लोगों को जो है तंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये करना कहीं ना कहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी अपनी छवि जो है जिस तरीके से आज तस्वीरों में दिखती हुई नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। आप पहले अपने आप को सुधारिए, फिर एक आम शहरी को सुधारिए। ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। हमारी अगली रिपोर्ट के लिए बने रहिए द फोर्थ एस्टेट्स न्यूज़ के साथ।